नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चंद्र राशि आधारित पुकार नाम अनुसार आज क्या कहता है आपके राशि के अनुसार, आइए जानते हैं। मेष राशि, किसी विशेष जन से मुलाकात लाभदायक रहेगी। करियर में उन्नति प्रद प्रस्ताव मिलेंगे। भूमि भवन संबंधित मामले उलझ सकते हैं। मकान के पुनर्निर्माण में धन खर्च होगा। वाहन क्रय करने की भी संभावना है। वृषभ राशि, नौकरी में तबादला लाभकारी साबित होगा। संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय ले। परिश्रम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। मिथुन राशि, व्यवसाय में लाभ की संभावना के बीच यश कृति में वृद्धि होगी। शत्रु सक्रिय होंगे, सतर्क रहे। संपत्ति संबंधित जरूरी अनुबंध हो सकते हैं। बहनों से विवाद की स्थिति बनेगी। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के बीच समय के साथ स्थिति अनुकूल हो रही है। लोगों में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। तनाव से मुक्त होने के साथ ही भाइयों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पुराने विवाद पक्ष में हल होंगे। सिंह राशि, ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी को लेकर गलतफहमी का शिकार होने से बचें। समय रहते काम पूरे करें। पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। भवन निर्माण को लेकर उत्साहित रहेंगे। कन्या राशि, आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका के बीच जल्दबाजी से हानि संभव है। कार्यस्थल पर व्यस्तता रहेगी। विवाद ना करें, पारिवारिक क्लेश की संभावना है। तुला राशि, मित्रों का सहयोग करना होगा। परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। संतान के कार्यों से नाराज होंगे। समय रहते जरूरी काम निपटा ले। आकस्मिक यात्रा हो सकती है। वृश्चिक राशि, अपने काम से संतुष्ट नहीं होने के चलते कार्य विस्तार के योग है। अधिकारी से विवाद हो सकता है। मकान की मरम्मत पर धन लगेगा। विद्युत उपकरण पर धन खर्च होगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता करेंगे। धनु राशि, कारोबार को नई सफलता मिलेगी। जबकि प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग अपने कार्य में सफल होंगे। पदोन्नति के योग है। पूंजी निवेश में विचार विमर्श करें। पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मकर राशि, कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कार्य पूरे होंगे। धन कोष में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रहे किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। आपके साथ धोखा हो सकता है। पिता के साथ भी वाद विवाद संभव है। कुंभ राशि, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। भूमि भवन से संबंधित मामले यथावत रहेंगे। विवाह चर्चा सफल होगी। वाहन मशीनरी का प्रयोग सतर्कता से करें। संतान के स्वास्थ्य की चिंता के बीच बीमारी में पैसा लगेगा। मीन राशि, सोचे कार्य समय पर होंगे। कारोबार में नई योजना लागू होगी, लेकिन अभी शेयर में निवेश से बचे। कर्मचारियों द्वारा नुकसान संभव है। जीवन साथी के साथ चल रही मनमुटाव की स्थिति सामान्य हो सकती है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी। ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।